और वे चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में हरियाणा के कई कलाकारों ने बीजेपी का दामन थामा। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र राजू, प्रदेश महामंत्री और विधायक मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद थे। जिन कलाकारों ने बीजेपी ज्वाइन किए हैं उसमें प्रसिद्ध गायक बिंदर दनोदा, प्रसिद्ध गायिका मोनिका शर्मा, हरियाणवी फिल्म लेखक रमेश चहल, मिस हरियाणा 2019 इंदु फोगाट, हरियाणवी गानों के प्रसिद्ध निदेशक साहिल संधु, प्रसिद्ध कलाकार रवीना बिश्नोई, प्रसिद्ध हास्य कलाकार बिजेंद्र नैन, हरियाणवी मॉडल डेजी वर्मा, फिल्म प्रोड्यूसर विजय धनोदा और संगीतकार डी गौर का नाम शामिल है। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सभी कलाकारों का पार्टी में स्वागत किया। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमण जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे, आज कई हरियाणवी कलाकारों ने बीजेपी का दामन थामा है। बिल्कुल अनु, देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में प्रसिद्ध हरियाणवी कलाकारों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले जो लोग हैं उनका मैं एक जिक्र करना चाहूँ। बिंदर दिनोदा जो गायक हैं वो हैं, मोनिका शर्मा हैं वो भी हरियाणवी गायक हैं, हरियाणवी फिल्म लेखन में जो है रमेश चहल, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मिस हरियाणा 2019 की इंदु फोगाट हैं, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, हरियाणवी गानों के प्रसिद्ध निदेशक साहिल संधू वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, प्रसिद्ध कलाकार रवीना बिश्नोई, हास्य कलाकार विजेंद्र नैन, हरियाणवी मॉडल डेजी वर्मा, फिल्म प्रोड्यूसर विजय धनोदा, संगीतकार डी गौर, तो ये जो लोग हैं इन्होंने आज ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का जो दामन है वो थामा है और ओम प्रकाश धनखड़ ने तमाम जो कलाकार हैं उनको पार्टी में शामिल कराते हुए ये कहा है कि आपका पार्टी में स्वागत है और आपका मान सम्मान जो है पूरी तरीके से हमारी पार्टी है वो रखेगी और किसी प्रकार की कोई कमी आपको इस पार्टी में महसूस नहीं होने दी जाएगी। जी, मतलब कि इसका फायदा जो है नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जब भी कोई संगठन में जुड़ाव होता है, लोग संगठन में जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली उसका फायदा उस संगठन के लोगों को होता है और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में राज करे, लगभग 7.5 साल का जो समय है वो हो चुका है और लगातार ऐसे मौके आते हैं जब भी कोई नया सदस्य पार्टी में शामिल होता है तो उसको बड़ी धूमधाम से या फिर इस प्रकार से जो पार्टी में शामिल कराया जाता है और आने वाले जब भी कोई इलेक्शन होते हैं, जब भी कोई चुनाव का मौका होता है तो उन कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को जिनको पार्टी में ज्वाइन कराया जाता है उनसे काम लिया जाता है और कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा कोई भी पार्टी हो अनु उसका पार्टी में अगर कोई नया सदस्य जुड़ता है तो उसका फायदा होना लाजमी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका।